दोस्तों आपने येति के बारे में तो सुना ही होगा। येति यानी कि हिममानव, जो कि इंसान, बंदर और भालू की तरह दिखने वाला एक काल्पनिक जीव होता है, जिसके सच होने का दावा बहुत से लोग करते आए हैं। कई लोगों ने अपनी आंखों से इसे देखने का दावा किया है, तो कुछ लोगों ने सिर्फ कहानियां ही सुनी हैं। येति के हिमालय में, खासकर नेपाल की बर्फीली चोटियों में होने का दावा किया जाता है। आज हम आपको दो अमेरिकी वैज्ञानिकों के बारे में बताने जा रहे हैं, जब उन्होंने येति के देखने का दावा करीब 70 साल पहले किया था। एक रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर जॉर्ज मोर अमेरिका के पब्लिक हेल्थ डिवीजन के चीफ थे। उनके साथ उनकी टीम के सदस्य डॉक्टर जॉर्ज ब्रुक्स साल 1953 में नेपाल की यात्रा पर थे। एक बार वो प्रसिद्ध गोसेन कुंडा के रास्ते पर थे। माना जाता है कि गोसेन कुंडा की झील को भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से जमीन में प्रहार करके बनाया था। समुद्र मंथन के बाद जब वो जहर पीने के बाद अपने जलते गले को शांत करने के लिए निकले, तो उन्होंने यहीं पर पानी पिया था। डॉक्टर ब्रुक्स गोसेन कुंडा की तरफ बढ़ ही रहे थे, तभी उनका सामना विशाल देवता से हो गया, जो उनके अनुसार बंदर जैसा दिख रहा था। डॉक्टर मोर ने अपने इस अनुभव का जिक्र साल 1957 के एक आर्टिकल आई मीट द एबोमिनिएबल स्नोमैन में किया था। 19वीं सदी से ही हिमालय के इलाकों में येति को देखने की कई कहानियां प्रचलित थी। कई लोग दावा कर चुके थे कि उन्होंने हिम मानव को देखा है, मगर मोर और ब्रुक्स का अनुभव काफी चौंकाने वाला था। डॉक्टर मोर ने बताया था कि उसकी आंखें खौफनाक थी और उसका पूरा शरीर बालों से भरा हुआ था। उसका कद 5 फीट का था और वो गुस्से में लग रहा था। तभी उसके पीछे 5-6 और वैसे ही देते आ गए। उन्हें देखकर वहां से दोनों भागे और अपनी बंदूक निकाल ली। उन्होंने अपने लेख में लिखा था कि वे सब आदि मानव जैसे लग रहे थे। वो सफलतापूर्वक वहां से भागने में कामयाब हुए, मगर उनके इस अनुभव ने सभी को चौंका दिया। बहुत से लोग उनके अनुभव को सच मानते हैं, मगर कई सारे लोग ऐसे हैं जो उनके अनुभव पर शक करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार बिट्स ऑफ द वर्ल्ड के लेखक एंडी मैकग्रा ने कहा था कि मुमकिन है कि दोनों ने मेकाक बंदर को देखा होगा, जो काफी बड़े होते हैं। हालांकि ये बंदर सिर्फ 2 फीट के होते हैं, मगर ये भी हो सकता है कि वो वीरान इलाके में रहते रहते उस कद तक पहुंच गए हो। यदि यह हिमानव को लेकर आज भी वहां के लोग अलग अलग दावे करते आए हैं, मगर सच क्या है ये कोई भी नहीं जानता।